कि सारा का सारा शेड्यूल आपने देख लिया, क्योंकि एक प्रथा चलती आ रही है 2011 में होस्ट इंडिया चैंपियन, 2015 होस्ट ऑस्ट्रेलिया चैंपियन, 19 में होस्ट इंग्लैंड चैंपियन, अब 23 हमारा एक फिर भारत चैंपियन, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं विक्रांत, ये है कि पाकिस्तान के साथ ना आप हमेशा थोक में मैचेस आपको मिल जाते हैं, इस बार लेकिन एक ही मैच है या इस हिसाब से शेड्यूल्ड है कि और मैचेस होते रहेंगे? नहीं, आप 2019 के फॉर्मेट पे खेल रहे हैं, यानी कि 10 टीमें और राउंड रॉबिन जिसे कहते हैं कि ईच टीम प्लेज ईच टीम वंस, यानी कि आप हर टीम को एक एक मुकाबला खेलेंगे, उसके बाद जो टॉप चार टीमें हैं वो सेमीफाइनल में जाएंगी। और जो मदन जी भी कह रहे थे, और इन कंडीशंस में मुझे लगता है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भारत और पाकिस्तान ये चार टीमें शायद सेमीफाइनल में हों। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान मुंबई में नहीं खेलता, कई दशकों से नहीं खेला है, शिवसेना का जब से वहां पे विवाद हुआ था, तो मुंबई सेमीफाइनल नहीं खेलेगा पाकिस्तान। ये पहले से तय है कि अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल जाती है तो इंडिया मुंबई में खेलेगा, वानखेड़े स्टेडियम में 15 नवंबर को, ये होस्ट का हमेशा होता है तय। और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो वो मुंबई नहीं कोलकाता में खेलेगा 16 तारीख को, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर भारत और पाकिस्तान आमने सामने है सेमीफाइनल में तो मैच मुंबई में भारत नहीं खेलेगा, फिर वो कोलकाता जाकर खेलेगा सेमीफाइनल, शिफ्ट हो जाएगा, वो सेमीफाइनल कोलकाता में खेलेगा। तो ये वो पूरी पीढ़ी निकल चुकी है विक्रांत, जिसने उस दौर में वो वाला विवाद देखा था कि पिच खोद दिया गया था, सब सुनते तो जरूर है कि पिच खोद देना, लेकिन ये कोई कहावत कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि वाकई पाकिस्तान को मैच खेलने से रोकने के लिए ऐसा किया गया था। सही बात है, और ये भी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान अहमदाबाद नहीं खेलना चाहता, ऐसा खैर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से अब सवाल ये है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कौन, क्या वो नजम सेठी साहब थे जिनका कार्यकाल खत्म हो गया, या फिर वो आने वाले जाका अशरफ होंगे जो इलेक्शन वैसे भी मुलतवी कर दिए गए हैं अगले महीने के लिए। लेकिन एक बड़ी बात यह है, इस वर्ल्ड कप से ठीक पहले जो एशिया कप होगा वो 31 अगस्त से 17 सितंबर, और जो आप भारत पाकिस्तान, मेरा ये मानना शुरू था जितना भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे ना उतना ही खिलाड़ियों के जहन में तनाव कम होगा। तो इस बार, पिछली बार तो इंडिया फाइनल में नहीं गया था, इस बार अगर इंडिया पाकिस्तान दोनों फाइनल खेलते हो तो एशिया कप में ही भारत पाकिस्तान तीन बार खेल चुके होंगे इस वर्ल्ड कप से पहले। और एशिया कप एक तरह से पैमाना हो सकता है ये समझने में कि कौन सी टीम कितनी तैयार, क्योंकि एशिया की जो मजबूत ताकतें हैं वो अगर उस टूर्नामेंट को खेल रही होंगी तो वही टीम उसी टीम का सबसे ज्यादा दबदबा होने की उम्मीद भी रहेगी। भारत के लिए झटका यह है श्वेता कि फिलहाल, हालांकि ठीक है भारत का वनडे वर्ल्ड कप के लिहाज से क्या गोल है, आपके क्या खिलाड़ी हैं, कॉम्बिनेशन तैयार है, बट जसप्रीत बुमराह का पता नहीं। ये खबरें आ रही थी कि शायद वो अगस्त में फिट हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं है, वो जनवरी में भी फिट हो रहे थे, उसके बाद अब अगस्त की बात आ गई है। और केएल राहुल श्रेयस अय्यर का ये कहा जा रहा है कि शायद उन्हें ज्यादा वक्त लग सकता है। तो इन तीन खिलाड़ियों को रिप्लेस करना अगर वक्त जरूरत पड़े तो आप कैसे करेंगे, ये भारत के लिए दिक्कत है। खैर, आज जो कि आईसीसी बीसीसीआई का घोषणा जो उन्होंने की मुंबई में, उसमें दो वर्ल्ड चैंपियंस थे, एक तरफ थे 2011 वर्ल्ड चैंपियन वीरेंद्र सहवाग और सामने थे 1996 वर्ल्ड चैंपियन मुथैया मुरलीधरन, तो उन दोनों ने अपनी अपनी टॉप चार टीमें चुनी ली। दिक्कत आती है कि सिर्फ इंडिया बट बाकी टीमें भी आनी है, और इंग्लैंड वाकई जो मुरली ने कहा जबरदस्त टीम है, पर विक्रांत ये वीरू को देखकर ना बहुत पुरानी बात नहीं लग रही है, मतलब लग रहा है कि अभी चैंपियन थे। और अगर आपको वाकई असल में बिल्कुल वो दबदबे वाली क्रिकेट टीम होना है तो मुझे लगता है कि वाकई पब्लिक मेमोरी से बाहर होने से पहले आपको जल्दी से जल्दी अगला वर्ल्ड कप जीतना ही होगा। सही बात है, लेकिन अब ठीक है आज के दिन ये शायद मायने नहीं रखता क्योंकि 100 दिन है और भारत की टीम को अपनी कमियों पर काम करना होगा। सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि बुमराह क्या आएंगे, क्या राहुल श्रेयस अय्यर फिट हो पाएंगे, नहीं तो फिर उनका बैकअप क्या है, उसकी तैयारी आपको। और एशिया कप आपको ये नहीं है कि कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, एशिया कप में आपको उस कॉम्बिनेशन से काम लेना है, उस कॉम्बिनेशन को ट्राई कर देना है, बिल्कुल, और फुल ड्रेस आपका रोल है। एग्जैक्टली वही चीज है। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह भी थे इस इवेंट में, उन्होंने क्या कहा भारत के हवाले से वो सुन लेते हैं। टूर्नामेंट का आगाज जो है वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होगा और वो पिछले वर्ल्ड कप के, जी यहीं पर खड़े हैं, यहाँ पर जहाँ पर मैं और आप खड़े हैं हमें हट जाना पड़ेगा उस वक्त, क्योंकि ये आईसीसी को दे दिया जाएगा। पहला मुकाबला होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का 5 अक्टूबर को, और भारत तो खैर चेन्नई में अपना पहला मैच खेलेगा। लेकिन सवाल ये है ना श्वेता कि भारत किस तैयारी के साथ जाता है, जब आप इंडिया में बात करते हैं आईसीसी टूर्नामेंट आप कोशिश करते हैं स्लो पिचेस हो, आपके स्पिनर्स अच्छा डालें, लेकिन ओस के महीने में
जब अक्टूबर नवंबर में ओस है, अगर आप टॉस हार गए तो फिर स्पिन गेंदबाजी दिक्कत भी आ जाती है, तो ये भारत को देखना होगा। टॉस जीत लेना मतलब आप आधा मैच जीत जाएंगे, लेकिन टॉस हार जाएंगे तो उसके बाद वहां से निकल कर कितना आपको बहुत मुश्किल है। कितनी मुश्किलें हो सकती हैं। अभी से मुझे लगता है कि विक्रांत, जैसे हम कहते हैं ना कि जब भी कोई मुश्किल आने वाली होती है, जैसे आपदा आने वाली होती है, बारिश, उसकी तैयारी भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करता है। मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को सोचना पड़ेगा कि वो हालात आपको मालूम है, वो ग्राउंड्स आपको मालूम है, उसमें आप अपने अप्रोच को किस तरीके का रखेंगे वो भी आपको तय करना होगा। खिलाड़ियों की फिटनेस आपके हाथ में नहीं हो सकती है, लेकिन ये चीजें आपके हाथ में हो सकती है। नहीं, और ये जो शेड्यूल बना है ये भारत ने बनाया है ना, भारत ने प्रपोज किया कि आप पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, तो ये तो टीम ने ही तय किया होगा, आपकी टीम मैनेजमेंट ने तय किया होगा। ये भी कहते हैं ना माइन्यूट डिटेल्स कि इस टीम को हम यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने इंग्लैंड को लखनऊ में खेल रहे हैं। लखनऊ की पिच अगर आप पिछले 12 महीने में देखें, शायद हिंदुस्तान की सबसे खराब पिचेस में से एक थी, स्पिनर जो है वहां पे जीने नहीं देता, रन नहीं बनते, तो ये थॉट है आपके जहन में कि भले वो पिच रिले होगी, रिले तो नहीं होगी, उसकी टॉप ड्रेसिंग होगी, तो जी वो स्लोइश विकेट होगा, इंग्लैंड के बल्लेबाज धड़ा मारते हैं, ये 400 रन भी बना सकते हैं, चलो उस विकेट पे खिला देते हैं, वो स्पिनर्स के खिलाफ फंस सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप उस तरह के मैच में अपने गड्ढे में खुद ना गिर जाएं, ये डर रहता है। और मुझे लगता है कि इंडिया चूंकि पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, उसे भी दो तरह से श्वेता देख सकते हैं, क्या आप चाहते थे कि आहिस्ता आहिस्ता आप कमजोर टीम से शुरू करते या सीधा ऑस्ट्रेलिया से आप खेलते हैं, तो ये दोनों तरफ दो धारी तलवार है। पर हम तो अच्छी टीम, फिर एक थोड़ी कमजोर टीम, फिर अच्छी पाकिस्तान, इस तरीके से टेम्परमेंटल चलिए, बहुत अच्छी नहीं कहूंगी, टेम्परमेंटल कुछ भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम चल रहे हैं। लेकिन बात आप सही कह रहे हैं कि जो जो स्टेडियम्स और खासकर लखनऊ में एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक मैच होना, उससे पहले एक्सपोजर उस तरह की आवश्यकता है। बाकी टीमों को रहेगा कि जब तक आप उन्हें एक वार्म अप गेम वहां नहीं दें, प्रैक्टिस गेम वहां नहीं दें, उन्हें नहीं पता चल सकता है, पर आपको अपने स्टेडियम्स पता है, आपको अपनी रणभूमि पता है, और वहां पर एक और इश्यू जो भारत के साथ हो सकता है, लेकिन वो अगेन उसका कोई इलाज नहीं है, और ये पहली बार नहीं है, आखिरी बार नहीं है, जब आप भारत में वर्ल्ड कप खेलेंगे, भारत की टीम को हर वेन्यू में जाना पड़ेगा। भाई 10 वेन्यूज हैं, लेकिन भारत को 9 मैच खेलने थे, हैदराबाद को छोड़ के हर वेन्यू में भारत एक एक मैच खेलेगा। तो कभी कभी श्वेता क्या होता है कि आप खुद भी, आपको फटीग बहुत हो जाता है, आपने आज मैच खेला, आप 8 तारीख को मैच खेलते हैं, 9 तारीख को आप ट्रैवल करते हैं, 10 को आराम, 11 को आप दिल्ली में मैच खेलते हैं, वहां से आप 12 तारीख को ट्रैवल करते हैं, 13, 14, फिर 15 को अहमदाबाद में खेलते हैं, तो कभी कभी टू मच ऑफ ट्रैवलिंग भी जो है ना वो